स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नेपाल से भारत को जोड़ने वाली सीमा खुली होने की वजह से यहां से लगातार घुसपैठ होने की आशंका बनी रहती है। यही वजह है कि महाराजगंज जिले से लगी सोनौली सीमा पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और SSB के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सीमा पर CCTV और सादे लिबास में भी जवान जाने वाले लोगों पर नजर बनाए रखे हैं। महाराजगंज जनपद से सटे इंडो नेपाल सीमा के सभी थानों को अलर्ट के साथ पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। भारत से नेपाल जाने वाले या नेपाल से भारत आने वाले हर व्यक्ति और गाड़ियों की सघनता के साथ तलाशी ली जा रही है। महाराजगंज जिले से लगी भारत नेपाल सीमा पर सीमा पार से आने वाले की गहनता से जांच की जा रही है। सीमा पर SSB जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। बीते दिनों नेपाल से आतंकी गतिविधियों और मादक पदार्थों के बड़े मामले सामने आने के बाद अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कोई चूक नहीं चाहती हैं। इसके लिए अब सीमा पर जवान CCTV और खुफिया टीम के जरिए सीमा पार से आने वालों पर नजर रखे हैं। देश विरोधी गतिविधियों को कैसे रोका जाए, इसको लेकर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने एक खाका तैयार किया है। सोनौली सीमा पर ही नहीं बल्कि जिले से लगी पूरे सीमा पर चौकसी तेज कर दी गई है। 15 अगस्त के आयोजन के दृष्टिगत रखते हुए समूचे जनपद की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और SSB और स्थानीय पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है, लगातार निगरानी की जा रही है। सभी संवेदनशील जगहों पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई है। पगडंडी इन पर पूर्व में जो स्थापित किए गए थे कैमरे, उनकी क्रियाशीलता चेक कर ली गई है, सभी सीमा क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त सभी गाँवों में जो सीमावर्ती गाँव हैं उनमें ग्राम सुरक्षा समिति की भी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो भी इनपुट मिला उस पर सक्रियता के साथ में कार्रवाई की जा रही है। सभी सीमावर्ती थाने और जनपद के सभी थानों पर फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। सभी संवेदनशील पॉकेटों में फ्लैग मार्च किया गया है। LIU को भी सक्रिय किया गया है। LIU के जरिए जो भी इनपुट प्राप्त हो रहे हैं उस पर सक्रियता के साथ में कार्रवाई की जा रही है और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। उस पर समूचे महाराजगंज जनपद की पुलिस इसमें सक्रियता के साथ में भागीदारी कर रही है। महाराजगंज से जनमत न्यूज के लिए नवीन प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।